गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे पैडागॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है ये जो हम पैडागॉजी की जो आज की क्लास है, इसके बाद की जो अगली क्लासेज होंगे वो आप स्टडी विद जीपी करके हमारा एक चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। तो उस पर हम पैडागॉजी की जितनी भी क्लासेज होंगी तो उस चैनल पे हम अपलोड करेंगे जो भी वीडियोज होंगी, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पैडागॉजी सीखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस चैनल पे पर्सन अगर बात करें तो पर्टिकुलरली हम इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेज ही यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, द वर्ड पैडागॉजी मीन्स, पैडागॉजी का मतलब क्या होता है? ये पैडालॉजी नहीं होता है, ये पैडागॉजी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पैडागॉजी का मतलब क्या होता है? टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। यहाँ पे चाइल्ड करके है, आप इसको चाइल्ड पढ़िएगा तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड करना तो ठीक है, बच्चे को समझना तो ज़रूरी है, बट खाली समझ के काम नहीं चलेगा, उसको क्या करना है? लीड भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टू लीड दी चाइल्ड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, पैडागॉजी इज द स्टडी ऑफ, पैडागॉजी स्टडी है किसका? एजुकेशन, बिल्डिंग स्टूडेंट है, यहाँ पे गिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग, बिल्ड करना यानी कि निर्माण करना यानी कि बनाना, लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग मेथड। पैडागॉजी किसका अध्ययन है? टीचिंग मेथड्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ, चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड कौन सा है? इसमें निगेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे बात करें तो फिजिकल ग्रोथ का मतलब है मात्रा, क्वांटिटी से, तो क्वांटिटेटिव हो जाएगा यहाँ पे, मात्रात्मक। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो बेस्ट मेथड कौन सा होता है स्टडी करने के लिए, जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें बच्चे की? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास हैं, साइको एनालिटिक मेथड, कंपेरेटिव मेथड, डेवलपमेंट मेथड और स्टैटिस्टिकल मेथड। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेवलपमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, जो यूज है टेक्नोलॉजी का इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, लर्निंग प्रोसेस यानी कि जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें क्या करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, तो क्या कहा जाता है इसको? ICT कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ऑन मिस्टेक्स, यानी कि व्यक्ति जो है अपने मिस्टेक्स से सीखता है, कहने का मतलब गलतियों से सीखता है। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थियरी, तो कौन सी लर्निंग थियरी पे बेस्ड है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट, ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये किस पे है? ट्रायल एंड एरर, ठीक है, अभ्यास एवं त्रुटि बोलते हैं जिसको, अभ्यास एवं त्रुटि के सिद्धांत पे आधारित है। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो टीचर का रोल क्या होगा वहाँ पे? तो यहाँ पे ट्राई टू नो द एबिलिटीज को जानना, उसकी योग्यता को जानना, इंटरेस्ट रुचि को जानना, इसके अलावा एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के एप्टीट्यूड को समझना जानना या उसकी इंटरेस्ट को जानना और इसके अलावा उसकी एबिलिटीज को जानना। नेक्स्ट देखिए, ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है पाठ्यक्रम को क्या करना, समायोजित करना, एडजस्ट करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, टीचर्स शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, टीचर्स शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली, जो टीचर है उसको प्रेजेंट करनी चाहिए क्या, प्रस्तुत करनी चाहिए, सूचना को प्रस्तुत करना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्लियरली, स्पष्ट रूप से एंड इन इंटरेस्टिंग वे, मज़ेदार तरीके से, और एंड रिलेट, उसको संबंध, उसका संबंध स्थापित करना चाहिए दिस न्यू इन्फॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट, यानी कि कहने का मतलब है उस न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ उसको क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, किस चीज़ को रिलेट करना चाहिए, किसका संबंध उसके साथ बनाए रखना चाहिए, डोंट नो, जो वो नहीं जानता है स्टूडेंट, उन चीज़ों का जिनको स्टूडेंट नहीं जानता है, या जिनको ऑलरेडी जानता है, या जिनको जानने की इच्छा रखता है, नॉट विलिंग टू नो, या जिनको जानने की इच्छा नहीं रखते, तो यहाँ पे है जिनको ऑलरेडी जानता है उन चीज़ों, नए ज्ञान को उसमें जोड़ना है, यानी कि आपने सुना होगा जो नया ज्ञान है उसको पूर्व ज्ञान से क्या करना, जोड़ना। ऑलरेडी नो का मतलब है पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, और न्यू नॉलेज को उसके साथ क्या करते हुए चलना है, जोड़ते हुए चलना है।
नेक्स्ट देखिए, इफ अ चाइल्ड हैज मेंटल एज ऑफ 5 ईयर्स एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 ईयर्स देन व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ चाइल्ड। इंटेलिजेंट क्वोशेंट का ये क्वेश्चन है। तो आईक्यू इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आईक्यू इक्वल टू होता है यहाँ पे, आप इसको याद रखिएगा, मेंटल एज कर दिया मैंने अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू क्या करना है आपको, 100 कर देना है, इनटू 100 करना है तो आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें मेंटल एज क्या है, मेंटल एज है 5 अपॉन 4 क्रोनोलॉजिकल एज है, इनटू 100 कर देना है। तो आप अगर ये करेंगे तो कितना हो गया 25, और 25 इंटू 5 कितना हो गया 125, ये आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, तो क्या है अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया मेंटल एज का, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 करके। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी स्कूल इज अ, स्कूल क्या है .. इंस्टीट्यूशन एक ऐसा संस्थान है, एंड एजुकेशन इज अ प्रोसेस एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे सोशल दे रखा है, और दूसरा सोशल फिलोसॉफिकल इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी के अनुसार स्कूल क्या है, एक सामाजिक संस्था है, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, एंड एजुकेशन क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का फैक्टर नहीं है, तत्व नहीं है, स्रोत नहीं है बोल सकते हैं। तो कौन सा नहीं है, प्राइज, इंसेंटिव, प्रेस, प्रैक्टिस। तो यहाँ पे प्राइज तो है, ठीक है, पुरस्कार तो है, प्रोत्साहन भी होगा, प्रशंसा भी होगी, तो प्रैक्टिस नहीं होगा इसमें, ठीक है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं है बोल रहे हैं तो फैक्टर डी, प्रैक्टिस। 12th नंबर पे क्वेश्चन देखिए, साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान है, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले इसको आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता था, मन का भी कहा जाता था, चेतना का भी कहा जाता था, बट जो आज की डेट में आधुनिक उसकी बात करें तो साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है इसे। व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर कॉल्ड, 2 से 6 साल की जो अवस्था है उसको क्या कहा जाता है। तो प्री चाइल्डहुड, इन्फेंसी, लेटर चाइल्डहुड, प्री एडल्सेंस। तो प्री चाइल्डहुड कहा जाता है इसको, चाइल्डहुड से पहले की एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, द टीचर स्टडीज पीपल प्यूपिल्स ग्रुप बिहेवियर। जो टीचर है वो अध्ययन करता है जो छात्र हैं उनके समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है, मेनली किसके द्वारा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन से मेथड के द्वारा करता है, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटेशन, केस हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण के द्वारा जो है छात्रों के समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है कौन, एक टीचर। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 15th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग, बच्चे जो हैं ईगोसेंट्रिक होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं, कह रहा है किस दौरान, ड्यूरिंग सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। ये जीन पियाजे का आपने अगर जो सिद्धांत है वो पढ़ा है आपने, तो उसी के बेस्ड है ये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल, क्योंकि सेंसरी मोटर की बात करें तो 0 से 2 वर्ष तक होती है, और प्री ऑपरेशनल की बात करें तो 2 से यहाँ पे 7 वर्ष तक, ये आपको याद रखना। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 स्टेजेस बता रखी हैं इन्होंने, कौन कौन सी, इसमें पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदिगामक अवस्था, 0 से 2 तक है सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि ये आपके सामने यहाँ पे लिखा है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी है 7 से 11 वर्ष तक, कौन सी, जिसमें कंक्रीट स्टेज हो जाएगी, कंक्रीट का मतलब मूर्त अवस्था। और लास्ट होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से ऊपर होती है, ठीक है।
ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।